समय मैं अब जा रहा हूं मैरिको के मैनेजमेंट के पास, तो मैरिको के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पवन अग्रवाल साहब आप लोग आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पवन सर, ये नजर आज इस बार इंडिया इंक ना खास तौर पे सबकी नजरें वो मार्जिन परफॉर्मेंस पर है, क्योंकि वो जिस तरह से इनपुट कॉस्ट प्रेशर एस्केलेट हुए हैं इस बार इंडिया इंक ने वही गड़बड़ा दिया मामला। थोड़ा सा वो प्रेशर आए हैं, बट ऑब्वियस है आप लोगों के केस में भी साल दर साल मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑलमोस्ट 200-210 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। ये तो मार्जिन का साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन है लार्जली यही इनपुट कॉस्ट प्रेशर लागत बढ़ी उसी का असर है या और भी कोई दिक्कत? सही कह रहे हैं, अगर आप देखें तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन में अप्रोक्सीमेटली 550 बेसिस पॉइंट्स की ग्राउंड रही, बट एट द सेम टाइम अगर आप सिक्वेंशियली देखें तो सिक्वेंशियली मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 150 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करी, और ये लार्जली ये इसलिए हुआ है क्योंकि सारे कच्चे माल के दामों में काफी इंक्रीज थी। अगर मैं आरबीओ की बात करूं तो आरबीओ अप्रोक्सीमेटली 60% हायर है। क्रूड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें एचपी एलएलपी वहां पे भी कुछ 30-35% की इंक्रीज रही है। हालांकि कोपरा के दामों में थोड़ी कमी देखी गई और उसकी वजह से कोपरा के मार्जिन्स पैराशूट के मार्जिन्स बेटर है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट मार्जिन्स पर डेफिनेटली रहा है। और अगर आगे की हम बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड भी डेफिनेटली एक्सपेक्ट की ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशियली इंप्रूव होती रहेंगी, लेकिन वाई ओ वाई थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। अच्छा, वाई ऑन वाई ठीक है, दबाव था क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे थे, पर सीक्वेंशियली यानी कि क्यू ऑन क्यू पवन जी इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स पे। अभी इंप्रूवमेंट क्यों, क्या ऐसा है कि कच्चे माल की जो लागत बढ़ रही थी उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है उसका फायदा मिला है, या फिर आप लोगों ने प्राइस हाइक्स लिए है उसका फायदा मिला है? ये क्यू ऑन क्यू जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आ रहा है ये कैसे? तो वाई ओ वाई तो इसलिए है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले दाम हो गई काफी ऊपर, लेकिन सिक्वेंशियली दाम कम होती जा रही। तो जैसे कि मैंने कहा अगर आप कोपरा की बात करें तो कोपरा सिक्वेंशियली अप्रोक्सीमेटली 11% नीचे आ चुका है, आरबीओ अप्रोक्सीमेटली 6-7% सिक्वेंशियली नीचे आ चुका है। बट अगर वाई ओ वाई की बात करें तो आज के दिन में भी आरबीओ जो कि हमारा एक सिग्निफिकेंट इनपुट मटेरियल है सफोलाइड एडवांस के लिए, आज भी 60% ऊपर है। सो सिक्वेंशियली इंप्रूव होती रहेगी, वाई ओ वाई प्रेशर रहेगा क्योंकि हमने प्राइस इंक्रीज ली है। बट अगेन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि प्राइस इंक्रीज हमने आरएम प्राइस के कमेंसुरेट नहीं लिया है, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू इंक्रीज द प्राइस एज मच दैट इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर द कंज्यूमर, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन द मार्जिन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट सिक्वेंशियली डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हमने क्वार्टर टू में देखी है, क्वार्टर थ्री में देखी है, और क्वार्टर फोर में। तो अब आप कह रहे हो सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, इस कंपनी के मार्जिन जो है 19.4% से रिड्यूस होकर 16.7% पे आए, तो अब जब सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट्स आने वाली तिमाहियां बेहतर होंगी मार्जिन्स के फ्रंट पे, तो किस तरह के एग्जिट मार्जिन्स FY22 के लिए आप लोग फैक्टर इन कर रहे हो, आप लोग प्राइस इन कर रहे हो, किस हद तक इंप्रूवमेंट मिलेगा दिखेगा हमको? मैं करेक्शन करना चाहूंगा, क्वार्टर टू के मार्जिन एक्चुअली 17.5% है, पिछले साल के मुकाबले कम है। बट अगर मैं फुल ईयर की बात करूं तो वहां हमारा थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन किया था 19% के आसपास, 19% से नीचे नहीं जाना चाहिए। आज के दिन में YTD मार्जिन अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 18.5%, सो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पुश इट कुड स्लाइटली फॉल बिलो 19%। बट अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो हम डेफिनेटली फील करते हैं कि 19% की थ्रेशोल्ड मेंटेन कर पाएंगे, और मीडियम टर्म कैन इंक्रीज बियॉन्ड 19% एज वेल। नहीं, आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने जल्दी में वो देख लिया, इंडिया बिजनेस के मार्जिन वो 16.7% पे हैं, कंसोलिडेटेड मार्जिन सर सही कह रहे हैं 17.5% के आसपास है। अच्छा, जब आप लोग कह रहे हो पूरा प्राइस हाइक्स कॉस्ट प्रेशर्स को पास ऑन नहीं करना चाहते थे, स्टैगर्ड वे में पास ऑन हो रहा है, तो डिमांड एनवायरमेंट दरअसल है कैसे? क्या वाकई डिमांड एनवायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है क्या? ये जो हम लोग पेंट अप डिमांड की बात कर रहे थे वो फिजल आउट हो रही है और बेसिक एनवायरमेंट अंडरलाइंग एनवायरमेंट फ्रेजाइल है, ऐसा मान के चलूं क्या? क्वार्टर टू में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट है, 8% की वॉल्यूम ग्रोथ रही, और इसमें भी आपको बता दूं ये 8% पिछले साल की 11% के ऊपर आ रही। सो अगर हम 2 साल के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो अप्रोक्सिमेटली डबल डिजिट, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया बिजनेस में 24% के आसपास है। और अगर डिफरेंट कैटेगरीज की भी हम बात करें तो सब कैटेगरीज में अच्छी हेल्दी ग्रोथ हमको देखने की मिली, लेकिन हाँ लास्ट 1-1.5 महीने में हमने थोड़ा सोडाउन देखा है, थोड़ी डिमांड ट्रेंड्स में मंदी देखने को मिली है, इसलिए और स्पेशली इन द रूरल साइड, रूरल जो कि पिछले कई क्वार्टर से काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहा था, इस बार थोड़ी वहां पे डिमांड में हमने सॉफ्टनेस देखी है। अब आगे जाते हुए उनको देखना पड़ेगा कि डिमांड कैसे शेप अप होती है,
बट आज के दिन में कंक्लूड करना सही नहीं होगा कि देयर इज अ स्लो डाउन, बिकॉज अगर हम रेल की बात करें तो वहां पर मानसून अच्छा रहा है, गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेज रही है, सो आगे कैसे शेप होगा उससे बहुत कुछ डिमांड डिपेंड करता है। साथ में फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, देयरफॉर वी ऑल्सो एक्सपेक्ट देयर विल बी सम डिमांड अपटेक दैट वी विल गेट। बट यस, इन द लास्ट वन एंड हाफ मंथ थोड़ी सॉफ्टनेस हमें देखने को मिली है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, तो इसको भी हम रखेंगे पैनी नजर। लेकिन पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो मार्जिन के प्रेशर्स थे कुछ हद तक अबेट हुए हैं, कुछ हद तक पास ऑन हुए, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और मार्जिन में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, डिमांड इन्वायरमेंट पिछले एक दो महीने में कुछ सॉफ्टनेस क्रीप इन हुई है, उस पर रखनी होगी हम सबको पैनी नजर। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी पर इस समय कामकाज करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।